अगर आप डेटा एंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि डेटा एंट्री क्या है, इसे कैसे करते हैं और इसके कितने टाइप हैं। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसे साइट पर लेकर चलूँगा जहाँ से आप डेटा एंट्री का सर्टिफिकेशन कोर्स कम्प्लीट कर सकते हैं विद प्रैक्टिकल। इस कोर्स को आप मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस में सीख सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, पंजाबी, मराठी, तमिल और भी बहुत सारी इंडियन लैंग्वेज में आप इसे आसानी से सीख सकते हैं। तो इसी तरह वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि डेटा एंट्री क्या है और डेटा एंट्री ऑपरेटर कैसे बनते हैं। आज के टाइम में हर आदमी ऑनलाइन पैसे कमाना चाहता है। आप घर बैठे ऑनलाइन काम करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपके पास थोड़ी स्किल और पेशेंस होना चाहिए। डेटा एंट्री ऑनलाइन कामों में सबसे आसान काम है, क्योंकि इसे करने के लिए किसी स्पेशल स्किल की आवश्यकता नहीं होती, जिसे आप घर बैठकर इसे आसानी से कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए फिर अब मैं आपको बताऊंगा कि डेटा एंट्री क्या होती है। डेटा एंट्री ऑपरेटर के द्वारा कंप्यूटर के किसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर में टेक्स्ट, वीडियो, इमेजेस, किसी भी फॉर्मेट में डेटा को एंटर कराने के प्रोसेस को ही डेटा एंट्री कहते हैं। एमएस ऑफिस के वर्डपैड, एक्सेल और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में डेटा एंट्री का काम किया जाता है। इन सॉफ्टवेयर्स में डेटा को एंटर करके स्टोर किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि डेटा एंट्री का काम कैसे कर सकते हैं। डेटा एंट्री का काम आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं, पहला है ऑफलाइन और दूसरा है ऑनलाइन। ऑफलाइन में किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर एज ए डेटा एंट्री ऑपरेटर आप काम कर सकते हैं, या फिर आप किसी ऑफिस, इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आदि जैसे संस्थानों में भी डेटा एंट्री का काम कर सकते हैं। अगर बात की जाए ऑनलाइन डेटा एंट्री का काम करने की, तो इंटरनेट पे ऐसी बहुत सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट अवेलेबल है जहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करके एज अ फ्रीलांसर वर्क कर सकते हैं। फ्रीलांसर, अपवर्क, फाइबर ऐसी ही कुछ फ्रीलांसिंग साइट है जिस पर आप घर बैठे डेटा एंट्री का काम करके अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हैं। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की कि डेटा एंट्री का काम करने के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। डेटा एंट्री का काम करने के लिए आपको किसी डिग्री या डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं होती है। एक 10th पास आदमी भी डेटा एंट्री का काम आसानी से कर सकता है और अच्छे अमाउंट में पैसे अर्न कर सकता है। डेटा एंट्री का काम करने के लिए आपको इन 3 स्किल्स का आना बहुत ही ज़रूरी है। पहली स्किल आती है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। डेटा एंट्री करने के लिए आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए, और इसके साथ ही आप जिस सॉफ्टवेयर पर डेटा एंट्री का काम कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। दूसरी स्किल आती है लैंग्वेज। आप जिस भी लैंग्वेज में डेटा एंट्री कर रहे हैं उस लैंग्वेज पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, जिससे कि आप स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, जिससे कि आपकी एक्यूरेसी 100% बनी रहे। तीसरी स्किल आती है टाइपिंग स्किल। डेटा एंट्री का काम करने के लिए आपकी टाइपिंग स्पीड का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। ऑफलाइन डेटा एंट्री जॉब में आपकी सैलरी काफ़ी हद तक आपकी टाइपिंग स्पीड पर डिपेंड करती है। आपकी टाइपिंग स्पीड कम से कम 25-30 वर्ड पर मिनट होनी ही चाहिए विद 100% एक्यूरेसी के साथ। अब मैं आपको उस साइट पर लेके चलूँगा जहाँ से आप डेटा एंट्री के कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। इस साइट का नाम है swayam.government.in। इस साइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन। हेलो गाइस, तो चलिए अब मैं आपको साइट पे लेके चलूँगा जिसके लिए आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। फिर आपको सर्च बॉक्स में जाके आपको swayam.government.in टाइप करना है। साइट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। जैसे आप इसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने वो साइट खुलकर आ जाती है। फिर यहाँ पे आपको क्रॉस के निशान पे क्लिक करना है। देन आप ऊपर देख पा रहे होंगे कोर्स कैटलॉग, यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स में डेटा एंट्री टाइप करना है। जैसे आप डेटा एंट्री लिखकर सर्च करते हैं तो आपके सामने आपका कोर्स खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे मेरा नेट थोड़ा स्लो है। आपके जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका कोर्स खुल चुका है जिसका नाम है सेकेंडरी डेटा एंट्री ऑपरेशन 229। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऊपर की तरफ, लेफ्ट ऊपर की तरफ ज्वाइन बटन आएगा। तो गाइज मेरा नेट थोड़ा स्लो है। यहाँ पे आपको ज्वाइन बटन पर जाके क्लिक करना है ऊपर की तरफ। जैसे आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने लॉगिन पेज खुल के आएगा। यहाँ पे आप, अगर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं है तो आप नीचे साइन अप नाउ पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर इसमें आप यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के आप अपना आपको लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं गूगल अकाउंट से अपने आप को लॉगिन करूँगा लेफ्ट साइड में। जैसे मैं लॉगिन करूँगा इसमें तो यहाँ पर एक फॉर्म खुल के आएगा जहाँ पर
मेरी पर्सनल डिटेल्स मुझसे मांगी जाएगी, जैसे कि मेरा नाम पूछा जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि सेव प्रोफाइल पर्सनल डिटेल्स मांगी गई है, नाम पूछा जाएगा। यहाँ पे अपना नाम डालूंगा, फिर नीचे मैं अपना मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट नंबर डालूंगा, फिर उसके नीचे मेरा ईमेल आईडी, फिर उसके नीचे मेरा एज भी सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैं किस एज ग्रुप में बिलोंग करता हूँ, तो जैसे कि मैं 18-30 एज ग्रुप में बिलोंग करता हूँ। उसके बाद से कंट्री पूछी जाएगी, इंडिया मैं सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद से आपका प्रोफेशन पूछा जाएगा, यहाँ पे मैं एज ए स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकता हूँ या फिर आप एम्प्लॉय भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ पे। फिर उसके नीचे हायर क्वालिफिकेशन आपसे पूछी जाएगी, जैसे कि अगर आपने हाई स्कूल पास किया तो यहाँ पे हाई स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आप अपना पूरा फॉर्म फिल करके नीचे की नीचे जाके स्क्रॉल डाउन करके आप यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को टिक कर देंगे। उसके बाद ऑनर कोड को भी टिक करके आप सेव कर लेंगे, फिर आप अपने कोर्स पे वापस चले जाएंगे। यहाँ पर आप आपका कोर्स फिर से खुल के सामने आ जाएगा। मैं आपको कोर्स के लेआउट पे लेके चलता हूँ नीचे की तरफ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट वीक में आपको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा, फिर उसके सेकंड वीक में आपको उसकी वीडियो दी जाएगी, उसके थर्ड वीक में आपको क्विज़ दिया जाएगा। यहाँ पे हर एक टॉपिक के बाद आपको एक क्विज़ दिया जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा है, जिससे आपकी परफॉर्मेंस डेली बाई डेली इंक्रीज़ होती रहेगी। यहाँ पे मैं आपको आपके इंस्ट्रक्टर की प्रोफाइल भी दिखाता हूँ, बायो दिखाता हूँ, जिनसे आप पढ़ोगे। उनका नाम है राधिका बी, जो कि जिनकी डेजिग्नेशन जो है वो एकेडमिक ऑफिसर है ICT में, NIOS में, NIOS जो कि नीचे यहाँ पे लिख रखा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है। फिर उसके नीचे आप कोर्स का सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं गाइज। यहाँ पे नीचे आपको दिया गया है एक वैलिड सर्टिफिकेट, आपको इस गवर्नमेंट साइट से आपको मिलेगा। तो गाइज मैं आपको आपके कोर्स को प्ले करके दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं ऊपर दिए गए वीडियो को मैं प्ले करता हूँ, जो कि डेटा एंट्री का ओवरव्यू वीडियो है। यहाँ पे आप जैसे वीडियो को प्ले करते हैं तो आपकी वीडियो आप देखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में प्ले हो रही है। यहाँ पे फिर आपको इंग्लिश देख के डरना नहीं है, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो आपको यहाँ पे नीचे CC के बटन पे क्लिक करना है। CC के बटन को क्लिक करके आप वीडियो के सबटाइटल को ऑन क्लिक कर लोगे, फिर आपको सेटिंग बटन में जाना है। सेटिंग में आपको सबटाइटल CC के ऑप्शन में जाकर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको ऑटो ट्रांसलेट पे क्लिक करके आप यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप मैं आपको लैंग्वेज दिखा दूँ, यहाँ पे आप बंगला लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपका सबटाइटल बंगाली में आएगा। फिर उसके बाद आप इंग्लिश में सेलेक्ट कर सकते हैं, और भी गुजराती भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ हिंदी कहाँ पे है, मैं आपको नीचे की तरफ लेके चलता हूँ। और फिर मैं खोल लूँगा यहाँ पे सबटाइटल CC, फिर देन ऑटो ट्रांसलेट के ऑप्शन में मुझे जाना है। मैं ऑटो ट्रांसलेट के ऑप्शन में जाऊँगा, ऑटो ट्रांसलेट के ऑप्शन में जाके मैं आपको नीचे की तरफ हिंदी की तरफ लेके चलूँगा। मैं देखता हूँ हिंदी कहाँ पे है, मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ पे मराठी आपने देखा, मराठी में भी आप सीख सकते हैं। बहुत सारी लैंग्वेज इंडियन रीजनल लैंग्वेज में भी आप इसे आसानी से सीख सकते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ हिंदी पे, यहाँ पे आप मराठी देख सकते हैं। फिर हम जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे, हमको हिंदी, ये रही हिंदी। यहाँ पे मैं हिंदी को प्रेस करके हिंदी में आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ सबटाइटल जो है वो हिंदी में प्ले हो रहे हैं, हिंदी में चल रहे हैं। तो इस तरह आप इस कोर्स को हिंदी में भी सीख सकते हैं। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें।